हेलो एवरीवन वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिर्ड तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग फोर्थ क्लास ईवीएस का एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये केंद्रीय विद्यालय का प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका ऑल इस बार जो पैटर्न है आपका एग्जाम्स का वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और काफी डिफरेंट है लास्ट ईयर के पेपर से इस बार आपका ट्वेंटी फाइव मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें एमसीक्यू होंगे टेन मार्क्स के और फिफ्टीन मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा उसके बाद फिफ्टीन मार्क्स आपका ओरल एग्जामिनेशन होने वाला है तो ईजी तो नहीं है डेफिनेटली ओरल एग्जाम्स में आपको ऑन द स्पॉट आंसर्स देने होते हैं और यहां पर भी जो एमसीक्यू है आपको अगर अच्छे से नॉलेज होगी चैप्टर्स की तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे तो प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे जिससे कि आपको पता लगेगा कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस तरीके के क्वेश्चन केवी के एग्जाम्स के में पूछे जाते हैं ओके okay? पहले आपको सिलेबस बता देती हूं कि कहां से कहां तक चैप्टर्स आपके आ रहे हैं चैप्टर आपके बसवास फार्म से आ रहे हैं हो सकता है कई स्कूल में फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम मार्केट टू होम से भी आ रहे हो लेकिन बस बसवास फॉर्म से लेके लास्ट जो चैप्टर आपका चुस्कित गोज टू स्कूल जब हम रिविजन भी करेंगे तब इन सभी चैप्टर्स की ही करेंगे चुस्कित गोस टू स्कूल ऑलमोस्ट आई थिंक थर्टीन टू फोर्टीन चैप्टर्स हैं ये आपके तो सिलेबस काफी ज्यादा है फोर्थ क्लास के एवीएस में इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा मेहनत एवीएस में ही चाहिए और ऊपर से एनसीआरटी की किसी भी लाइन को उठा के एग्जाम में पेपर में आपकी आ जाती है वो तो चलिए एक एक जो क्वेश्चंस है वो तो मैं रिवीजन वीडियो में आपको कराऊंगी एक एक चैप्टर्स की अभी हम लोग एक बार पेपर देख लेते हैं बिफोर दैट अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर टैप कर दीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ये कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए ही है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आए तो वो मिस ना हो आपसे छूटे ना आपसे ओके लेट्स बिगेन ना योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री यू कैन यूज दिस कॉइन आपको ईवीएस के पेपर में मैं हमेशा कहती हूँ इनफैक्ट वर्कशीट में भी ये चीजें कराती हूँ कि एग्जाम में आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि केवी में आपने देखा होगा पहली जो दो कॉम्पिटेंसीज है हमारी ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन उसमें पिक्चर से क्वेश्चन काफी बनते हैं तो जो एनसीआरटी की पिक्चर्स है आपकी वो आप जरूर देख लें वर्कशीट की वीडियो आप देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन आपका लिया गया है होम एंड अब्रॉड जो चैप्टर है थोड़ा सा मैं बताती भी चलू ताकि आपको ध्यान रहे कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे क्वेश्चन आए थे वैसे अगर आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हम लोग डिस्कस करते हैं क्विज वाली और वर्कशीट वाली वो देखी है तो आई एम श्योर आपको हंड्रेड इसमें सभी क्वेश्चन पता होंगे क्योंकि सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनसीआरटी के बाहर का कोई भी क्वेश्चन इसमें है नहीं खेर होम एंड अब्रॉड से क्वेश्चन लिया गया जिसमें कि आपको वेरियस कंट्रीज की करेंसी बताई गई थी यहां पर तो फिर भी ईजी दिया आपको इंडिया की ही करेंसी दी गई है यहां पर हो सकता है आपसे किसी दूसरी कंट्री की भी पूछ लेते आपको इंग्लैंड और ओमान एंड सऊदी अरेबिया दो तीन कंट्रीज है जो एनसीआरटी में मैंशन है आपको जो नोट्स वो पता होने चाहिए तो एक तो यहां प्रिपेयर जरूर कर लेंगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट इज पीपल हु कैन नॉट यूज देयर लेग्स यूज जो लोग अपने लेग्स यूज नहीं कर सकते वो क्या यूज करते हैं या आया है वो इसको यूज करते हैं इसे क्या कहते हैं हम लोग इसे कहते हैं व्हील चेयर और ये क्वेश्चन कहां से आया है ये आया है आपका चुस्कित टू स्कूल वाले चैप्टर से क्योंकि उसमें जो बच्चा था वो डिफरेंटली एबल था ओके नेक्स्ट इज द बर्ड मेक्स ब्यूटिफुल नेस्ट फॉर इट्स पार्टनर ये कौन है जो अपने पार्टनर के लिए एक सुंदर सा नेस्ट बनाती है ये है वीवर बर्ड का नेस्ट जो चैप्टर आपका गिजू भाई बधेका ने जो लिखा है अब इजी मंथ उस चैप्टर से क्वेश्चन आया वहां पे आपको बहुत सारी बर्ड्स के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो उसकी वीडियो आप जरूर देख लेना एक एक भी बर्ड की कोई भी एक स्पेसिफिकेशन देकर आपको उनका नाम पूछ लिया जाएगा स्पेशली कैसे वो अपना घोसला बनाती है क्या वो खाती है कहा वो अंडे देती है है ना ये सब चीजें चलिए तो ये वीवर बर्ड का है, बहुत अच्छे से वीव करके वो जो है जैसे बुन के वो अपना घोसला बनाती है और अपसाइड डाउन होके सोती हुई है इसके अंदर अ कॉमन डेजर्ट ट्री विच लुक लाइक अ कोकोनट ट्री कौन सा कॉमन डेजर्ट ट्री है डेजर्ट में होता है ये जो कि कोकोनट ट्री जैसा ही दिखता है ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आया है अगेन आपका होम एंड अब्रोड से जहां पर कि आपको बताया हुआ था कि सऊदी अरेबिया में बस यही ट्री मिलते हैं क्योंकि वो डेजर्ट एक एरिया है और ये है डेट पाम ट्री पानी की कमी जहां हो वहां पर ये पेड़ होते हैं और सऊदी अरेबिया में यही पेड़ पाया जाता है नेक्स्ट इज द ड्रेस वोन बाय आसमीज वुमेन आसाम की जो वुमेन है वो क्या ड्रेस पहनती है ये जिसमें वो डांस करती हैं ये आसम वाले चैप्टर से आया है जिसमें कि आपको कुछ बिहू के बारे में बताया हुआ है चैप्टर का नाम आई थिंक फूड एंड फन फूड एंड फन नहीं ईटिंग टुगेदर है ईटिंग टुगेदर से ये क्वेश्चन है जिसमें कि आपको बिहू के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई है और ये वहां के आ, आसाम में जो लोग लेडीज की जो यूनिफॉर्म है उसको बोलते हैं हम लोग मेखला चादर मेखला चादर ओके पट बी है पट एंड मेखला चादर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट इज कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड दो ले एग्स कौन से दो कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताइए उन एनिमल्स के जो कि बेबीज को बर्थ देते हैं और जो एग्स ले करते हैं अंडे देते हैं कुछ डिफरेंसेज आपको बताने हैं कंपेरिजन करना है दो मार्ग का क्वेश्चन है तो दो डिफ्रेंसेज आप लिख देंगे सबसे पहले जो कि बेबीज को बर्थ देते हैं हु गिव बर्थ टू यंग वंस और जो एग्स देते हैं इस तरीके से आप सेपरेट कर लेंगे इस प्लेस को जो बेबीज को बर्थ देते हैं देयर ईयर्स कैन बी सीन ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं राइटिंग आप थोड़ा सा देख लेना बहुत अच्छी नहीं आ रही है उनके इयर्स आप देख सकते हैं जैसे कि ह्यूमन है बेबीज को बर्थ देते हैं आपके एनिमल्स है काव है बफेलो है टाइगर है जिनके कान आप देख सकते हैं वो बेबीज को बर्थ देते हैं जो एग्स देते हैं उनके ईयर्स यू कैन नॉट सी जैसे कि बर्ड्स आप देखिए कैन नॉट बी सीन उसके बाद लिजर्ड देख लीजिए लिजर्ड के भी आपको कान नहीं दिखाई देंगे और वो भी अंडे देती है दूसरी इनकी प्रॉपर्टी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है हैव हेयर ऑन स्किन इनकी स्किन के ऊपर हेयर होते हैं और इनकी स्किन के ऊपर फेदर्स होते हैं या फिर होते ही नहीं है स्किन ही होती है सिर्फ हैव फेदर्स पंख होते हैं ओके okay? तो ये दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है राइट टू ड्यूटीज परफॉर्म बाय डॉक्टर और नावल शिप नेवी के शिप में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके कोई दो प्रॉपर्ट दो ड्यूटीज लिखिए सॉरी ये प्रिज्म वाले चैप्टर का क्वेश्चन है तो सबसे पहला तो है कि डॉक्टर्स जो नवल शिप पर होते हैं दे मेक श्योर मेक श्योर एवरी इज फिट एंड हेल्दी सभी फिट रहे और सभी हेल्दी रहे ये वो इंश्योर करते हैं ओके सेकेंड दे डू मेडिकल चेकअप्स रेगुलरली मेडिकल चेकअप्स करते रहते हैं किनका चेकअप्स ऑफ of जो ऑफिसर्स हैं नेवी के जो ऑफिसर्स हैं और जो सेलर्स हैं जो कि सेल कर रहे हैं शिप को पानी में सेलर्स रेगुलरली नेक्स्ट अगर आप लिखना चाहें तो ये क्लीनलीनेस भी मेंटेन करते हैं उसके ऊपर मेंटेन क्लीनलीनेस शिप के ऊपर क्योंकि इन्होंने बताया कि चूहे नहीं होने चाहिए और गार्बेज नहीं होना चाहिए इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती है इसलिए उनका भी ध्यान रखते हैं जो कि नेवी में जो डॉक्टर्स होते हैं वहां पर और ऐसा नहीं है कि सफाई करते हैं मतलब करवाते हैं नेक्स्ट ये रेडी फॉर मेडिकल इमरजेंसीज ये भी उन्होंने बताया चार काम उन्होंने बताया कि हमेशा मेडिकल इमरजेंसी कोई भी हो किसी को जरूरत हो उसके लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं ओके okay? खैर आपको दो ही पॉइंट्स लिखने थे यहां पर जो भी आप याद रख सके एग्जाम में व्हाट आर टू फंक्शंस ऑफ रूट रूट के कोई दो फंक्शन बताइए रूट आप जानते हैं सॉइल के अंदर होती है नीचे की तरफ सब थ्रेड लाइक -like होते हैं थ्रेड जैसे धागे जैसे आपके एक स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहला काम तो है इसका फिक्सिस द प्लांट इनटू सॉइल ये तो आप सेकेंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सॉइल में प्लांट को फिक्स करके कोई रखता है तो वो जड़ ही है अदरवाइज वो पेड़ आपका ऊपर ऐसे ही खड़ा रहे वो गिर जाए जिसकी जड़ अंदर तक होती है उसको थोड़ा आपको पुल आउट करने में भी मुश्किल होती है ओके okay? और दूसरा इसका है कि जितने भी ये अब्जॉर्ब करती है अब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम मिनरल्स फ्रॉम सॉइल सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं जो पानी आप पौधों को देते हैं जड़ में ही देते हैं वो उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, फिर लीव्स तक पहुंचाती है जहां पर उससे खाना बनता है तो ये दो मेन काम है रूट्स के और भी बहुत है ये फूड भी स्टोर करती है स्टोर्स फूड बहुत सारे उसमें जैसे कि आप जानते हैं कुछ हमारी रूट्स ही हैं जिनको आप खाते हैं कैरेट इन सब में जो फूड है वो इसी में ही स्टोर होता है नेक्स्ट इज इफ यू गेट अ चांस टू गो टू धाबी अगर आपको धाबी जाने का चांस मिलेगा वट आर द थिंग्स यू विल गेट टू सी आपको क्या चीजें वहां पर देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले तो सैंड बहुत सारी देखने को के लिए मिलेगी सैंड ड्यून्स आप लिखिए ड्यून्स होते हैं जो आपके माउंटेन्स जैसी एक वो होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेत सैंड जब इकट्ठे हो जाते हैं और माउंटेन जैसी एक स्ट्रक्चर संरचना बना लेती है दूसरा आपको वहां पर पाम ट्री देखने के लिए मिलेंगे पाम ट्री तीसरा वहां पर बहुत टॉल बिल्डिंग्स टॉल बिल्डिंग्स उनके अंदर बिग ग्लासेस बिग ग्लास विंडोज होंगी जिनके अंदर वो देखने के लिए मिलेगी एसी होती है सारी बिल्डिंग क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ये कुछ चीजें हैं जो अगर आप आबुदाबी जाएंगे तो यू कैन सी इजीली नेक्स्ट इज वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई दीज टर्म्स इन टर्म्स कुछ आपको दिए इनसे आप क्या समझते हैं प्रिज्म प्रिज्म से आप क्या समझते हैं प्रिज्म क्या होता है सो अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास एक काइंड सॉरी नॉट किंग एक ग्लास के एक ग्लास का प्रकार है आप देखेंगे तो ग्लास जैसा ही लगेगा शीशे जैसा लगेगा मतलब आपका अ काइंड ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट्स जो कि क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है सेवन कलर्स जो आपके सात कलर्स होते हैं ना रेनबो के विभग्योर से जिसे आप याद रखते हैं वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड इनको रिफ्लेक्ट जो करता है वो आपका उसको प्रिज्म बोलते हैं सैंड्यून्स कि है? सैंडियून्स कहते हैं माउंटेन्स को माउंटेन्स विच इज मेड ओनली ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट एक डेजर्ट में एक रेगिस्तान में जो सैंड है उससे जो माउंटेन्स बने होते हैं सिर्फ बालू बालू के ही रेत के ही जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें सैंडियूंस कहा जाता है नेक्स्ट मैचिंग है आपकी टीम गेम इनमें से कौन सा एक टीम गेम है कबड्डी डेफिनेटली नेक्स्ट इज अमृता अमृता बिश्नोई जो कम्युनिटी है उसको बिलोंग करती थी करना मल्लेश्वरी जो थी वो वेट लिफ्टर थी और गांधी जी ने जो है हैंडलूम पर बहुत फोकस uh, किया था वो खुद भी चरखा चलाते थे नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड टू बिल्ड अ ब्रिज ड्रॉ अ ब्रिज एक ब्रिज की ड्रॉ द्रौ, ड्रॉइंग भी करनी है ड्रॉइंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है आप कर लीजिएगा इसको मैं सिर्फ मटीरियल बता देती हूँ क्या क्या चाहिए स्टील आपको चाहिए ब्रिज बनाने के लिए आपको कॉन्क्रीट चाहिए उसके बाद ब्रिक्स चाहिए आयरन चाहिए लोहे की जो रोड्स हैं वो लगती है उसमें टिम्बर चाहिए एल्यूमिनियम चाहिए एल्यूमिनियम और अगर आप एल्यूमिनियम अगर आप बांस वाला ब्रिज बनाना चाहते हैं तो आपको बैम्बू भी चाहिए बैम्बूज एट्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है जैसे भी आप ब्रिज बनाना चाहिए उस पर डिपेंड करता है नेक्स्ट इज वाई डू वी एड स्पाइसिस टू आर फूड आप अपने खाने में स्पाइसिस क्यों ऐड करते हैं सबसे पहले तो फॉर टेस्ट मोस्टली जो हम करते हैं टेस्ट अच्छा हो जाता है फॉर कलर्स ऑल्सो जैसे कि टर्मरिक वगैरह आप डालते हैं कलर्स कलर के लिए एंड थर्ड इज फॉर्थ हेल्थ बेनिफिट जो स्पाइसेस हैं उनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा जैसे कि हमने देखे बेनिफिट लॉन्ग जो है वो आपके दांत स्टमक को सही रखती है सॉफ्ट से आपका पेट सही रहता है और माउथ फ्रेश रहता है तो हेल्थ बेनिफिट्स है इसलिए भी हम लोग उनको खाते हैं मेथी है शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है नेक्स्ट इज नेम एनी टू स्पाइसीज किसी भी दो स्पाइसिस का नाम लिख दीजिए आप बहुत सब जानते हैं टर्मरिक है पहले तो हल्दी मोस्टली यूज चिली पाउडर है है ना उसके बाद पेपर है काली मिर्च जिसे आप कहते हैं फिर क्यूमिन सीड्स हैं जीरा सीड्स उसके बाद आपका क्लोव है लौंग है कार्डेम है है ना तो ये जो भी आपको याद आए एग्जाम में कार्डेम बहुत इतने मैं आपको ये करा चुकी हूँ आई थिंक स्पाइसेस के आपको ट्वेंटी भी लिखने को आए तो आप ट्वेंटी भी लिख सकते हैं अगर आपने uh, वर्कशीट देखी है तो उसमें बहुत सारे टाइप के स्पाइसेस हमने किए थे नेक्स्ट इज इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी बाय अ ट्रेन आप किसी ट्रेन से एक लंबी सी जर्नी पे जा रहे हैं वॉट आर द थिंग्स यू शुड रिमेंबर टू कैरी अलॉन्ग आप अपने साथ क्या चीजें ले जाना चाहेंगे कहीं भी ये मैंशन नहीं है खाने की चीजें तो वही मत लिखना क्योंकि बच्चे इसमें मैंने जनरली देखा है बिस्किट और जो है ब्रेड्स एंड ऑल पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं तो सिंपल आप एक चीज में लिखिए फूड आइटम्स जो फूड आइटम्स हो जो ज्यादा दिन तक तो चल सके आप वो ले जाना चाहेंगे ऑब्वियसली सेकेंड कोई बुक्स या फिर कॉमिक्स या फिर नॉवेल्स जो भी आपको पसंद हो टाइम पास के लिए ये भी जरूरी है खाएंगे और सोएंगे ऐसा तो नहीं होगा ना जब आप किसी लंबी ट्रेन जर्नी के पे जा रहे हैं वाटर जरूर होना चाहिए आपके पास एक बेसिक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए बेसिक फर्स्ट एड किट कहीं जरूरत पड़ने लगे आपको जहां पर आप जा रहे हैं कुछ मेडिसिन होनी चाहिए बुक्स टू रीड तो हम लोग कर चुके हैं मेडिसिन होनी चाहिए उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा आंसर को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं तो मोबाइल चार्जर भाई जरूर होना चाहिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा ये वैसे फनी नहीं है ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली अगर आप जाएंगे कहीं आप मोबाइल की वैसे भी बहुत जरूरत है एक तो टाइम पास है ही आप गेम्स खेल सकते हैं वैसे कांटेक्ट करने के लिए घर वालों को तो चार्जर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो मोबाइल चार्जर वगैरह जो भी आप लिखना जाए बाकी वो आप लिख सकते हैं नेक्स्ट इज राइट अबाउट बिहू फेस्टिवल बिहू फेस्टिवल के बारे में लिखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहू से तो आप क्वेश्चन डेफिनेटली हंड्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्स में और ओरल में भी आपकी मैम आपसे जरूर पूछेंगी या फिर आपसे कहा गया है राइट स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेकिंग पोचमपल्ली साड़ी पोचमपल्ली साड़ी बनाने के क्या स्टेप्स हैं मैं ये पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ बिहू फेस्टिवल से स्टार्ट करते हैं बिहू सबसे पहले आप देखेंगे बिहू इज बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल जब फसल कटती है जो, तब आप जो फेस्टिवल्स मनाते हैं उनको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं जैसे कि मकर संक्रांति बिहू पोंगल एंड ऑल ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है कहां का है बाय सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ आसाम लोग जो है आसाम सेलिब्रेटेड रह गया celebrated by. अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा ये बीच में हो सकता है एक दो वर्ड छूट जाए सेलिब्रेट पीपल ऑफ आसाम आसाम के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं अब थोड़ा सा उसको में डिटेल में आना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा मार्क का क्वेश्चन है ये एक्चुअली फोर मार्क का क्वेश्चन है क्योंकि थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो पीपल ऑन द ईव ऑफ बिहू बिहू की शाम को पीपल मेक द बेलागर लोग जो आपकी एनसीआरटी में दिया वही आपको लिखना है कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डालने की जरूरत नहीं है बेलागर जानते हैं तो वो भी डाल सकते हैं कोई ऐसा नहीं है मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ग्रास एंड बैम्बू जो कि ग्रास और बैम्बू का बना होता है वो आप बेलागर जो है तब बनाते हैं पीपल ईट टुगेदर लोग जो है गेट टुगेदर लिख दीजिए लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं गेट टुगेदर एट वन प्लेस एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं प्लेस Women, थोड़ा सा वो भी लिख दीजिए जो आपसे ऊपर पूछा हुआ था क्या पहनती है Women wear बहुत सुंदर मेखला चादर जो है मेखला चादर वो पहनती हैं द ड्रम स्टार्ट्स टू प्ले ड्रम शुरू हो जाते हैं एवरी वन सिंग्स एंड डांस सब लोग जो है वो सिंग करते हैं गाना गाते हैं और डांस करते हैं शाम को uh, उसके बाद बेलागढ़ जो है वो जलाया जाता है बेलागढ़ सेट अलाइट बेलागढ़ सेट अलाइट एंड पीपल डांस अराउंड इट लोग जो है वो उसके चारों तरफ डांस करते हैं डांस अराउंड इट ओके एवरी वन कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू बाय राइस फायरवुड बैम्बू एंड मेजी मेजी भी बनाई जाती है लकड़ी की हमने देखी थी उसके बाद स्पेशल पीठा यस yes, एक दो चीजें इसमें रह गई है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया पीठा बनाया जाता है और चेवा राइस भी बनाया जाता है ये और इसमें ऐड कर दीजिएगा चेवा राइस भी बनाते हैं आप लोग एक थोड़ा सा खाने के बारे में भी डालना पड़ेगा प्रिपेयर बाय द पीपल एंड सर्व बनाना लीव्स पेस्ट को सर्व करते हैं एंड द नेक्स्ट डे दे देट द मेजी उसके अगले दिन ये मेजी को जो है भी जला देते हैं अगले दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ओके तो ये बिहू के बारे में सारी चीजें हम जो भी इससे पूछा जाएगा एग्जाम में होपफुली आप आंसर कर पाएंगे नेक्स्ट सेकेंड है पोचम पल्ली साड़ी बनाने के पूरे स्टेप्स आपको लिखने थे तो सबसे पहले देखिए क्या होता है बंडल्स ऑफ थ्रेड आप लेके आए मार्केट से बंडल्स ऑफ थ्रेड आर पुट इन बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग वाटर में इनको डाला जाता है क्यों टू वॉश अवे डर्ट एंड इनके इनमें जो धूल है या फिर कोई दाग धब्बे है वो सब निकल जाए उसके लिए सबसे पहले ये किया जाता है दूसरा स्टेप स्टेप वाइज बता देती हूँ चार स्टेप में आप पूरा कर देंगे चार मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएंगे थ्रेड्स आर डाइड उनको डाई किया जाता है डीवाई डाई डी आई डी लिख देना वो मरना हो जाएगा डाइड विद ब्राइट कलर्स बहुत चमकदार कलर्स होते हैं पोचमपल्ली का का ये, ये, ये लाइट ये लाइट या फिर जो डल कलर्स होते हैं उनमें इसकी साड़ियां नहीं होती तो ब्राइट कलर से उसके बाद आप इनको डाई करेंगे थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप दीज बंडल्स आर पुट इन टू लूम जो बंडल्स बनते हैं उसके बाद आपके लूम में उनको आप डालते हैं एंड क्लोथ इज वुवेन और क्लोथ जो है उसके बाद वो वीव किया जाता है उसके बाद सिल्क क्लोथ एंड सिल्क साड़ी आर वुमेन फ्रॉम सिल्क थ्रेड एंड जिस तरीके से सिल्क की आपकी साड़ियां बनती है उसके बाद क्योंकि आपका कपड़ा हो गया उसके बाद साड़ीज आर प्रपेयर फ्रॉम वुवेन क्लोथ जो वीव जो क्लोथ है उससे आप क्या बनाते हैं साड़ियाँ बनाते हैं ओके okay? तो ये चार स्टेप्स हैं आपने पहले लेके बंडल्स के उसको साफ किया स्टेन्स हटाने के लिए डाइ किया थ्रेड को उसके बाद थर्ड में आप सुखाना भी लिख सकते हैं उनको सुखाना सुखाया जाता है और एक जो है लपेटा जाता है ताकि वो लूम में फिट हो सके उसके बाद लूम में नीडल्स लगाई जाती है और किस तरीके का आपको डिजाइन चाहिए वैसा उसके बाद बंडल्स को लूम में कहता है फिर साड़ी उससे वीव की जाती है उस कपड़े से नेक्स्ट इज ड्रॉ अ ट्री विद हैंगिंग रूट्स एंड नेम इट ट्री है ये तो आप जानते हैं जिसकी रूट्स जो है वो हैंगिंग होती है उसकी ब्रांचेस से ड्रॉ आप खुद कर लीजिएगा एन एनिमल विद नो ईयर्स एंड नेम इट एक एनिमल जिसके कान ना होते हो तो लिजर्ड लिख दीजिए इसके कान नहीं होते ओके okay? और इसकी ड्रॉइंग आप कर दीजिएगा नेम एनी टू फ्लावर्स दैट ग्रो इन वाटर दो फ्लावर्स के नाम लिखे जो वाटर में ग्रो होते हैं ड्रॉ एनी वन कोई एक ड्रॉ भी कर दीजिए लोटस आई थिंक ये बहुत ईजी ड्रॉइंग है ये तो थोड़ी बहुत मुझे भी आती है लाइक दिस आप इस तरीके से लोटस जो है वो ड्रॉ कर देंगे तो एक तो ये हो गया सेकेंड इज वाटर लिली ये भी कुछ कुछ इसी की तरह ही लगती है देखने में ओके तो ये दो फ्लावर्स के नाम जो पानी में होते हैं नेक्स्ट इज राइट एनी टू यूजेस ऑफ पुले सबसे पहले तो आपने पहले होता था आजकल तो शायद आपने ना देखा हो जो वेल्स हैं वो यूज करती है पुले को टू फेच वाटर फ्रॉम इट उससे पानी बाहर निकालने के लिए उसमें गोल पुले बोलते हैं गोल गोल घिरनी होती है अगर आपने देखा एक रस्सी इधर होती है एक अंदर होती है तो आप इसको घुमाते हैं तो ये गोल घूम के इधर आसानी से आपकी जो ब, बकेट है वो रस्सी के सहारे आ जाती है तो वाटर को फेच करने के लिए वेल में यूज की जाती है पुले उसके बाद आपने देखा होगा कि बच्चों को जो लद्दाख वाला एरिया था वहां पर बच्चों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी यूज की जाती है खैर उसको भी छोड़िए एलिवेटर से लिफ्ट लिख दीजिए लिफ्ट में यूज की जाती है यूज मल्टीपल पुले बहुत सारी यूज होती है पुले आपको शायद ना दिखते क्योंकि आप तो लिफ्ट के अंदर खड़े रहते हैं लेकिन लिफ्ट को जो ऊपर और नीचे लेके जाते हैं वो पुले ही काम करती है उसमें ओके इन ऑर्डर टू फंक्शन तो वेल में यूज होती है और लिफ्ट में यूज होती है पुले का अगर आपको यूज पूछा जाएगा नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर वाई इन इनके कारण बताइए कि क्या है वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट बहुत ही कम ट्री होते हैं डेजर्ट में इसका क्या कारण है तो वेरी फ्यू ट्रीज ग्रो इन डेजर्ट बिकॉज क्योंकि देयर इज नो रेन वेरी लेस रेन लिख दीजिए एंड नो रिवर्स और लेक्स कोई रिवर नदियाँ या फिर लेक्स नहीं होती नो पॉन्ड नो वाटर बिलो ग्राउंड मतलब लैक ऑफ वाटर मेन रीजन है है ना नो वाटर बिलो ग्राउंड ये कारण है कि वहां पर बिलो सॉरी जो है पानी की कमी की वजह से पेड़ ज्यादा नहीं होते हैं जो पानी की कमी में भी पैदा हो सकता है सिर्फ वही होंगे जैसे कि कैक्टस हमने देखा कैक्टस आपने देखा होगा बहुत कम पानी की जरूरत है या फिर खेजली देख लीजिए खेजड़ी के जो ट्रीज हैं वो हो जाते हैं क्योंकि उनमें पत्तियां नहीं होती कांटे होते हैं इसलिए पानी वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता वाटर लॉस पान पेड़ में पत्तियों से ही होता है और डेट पाम जो होता है ये कुछ ट्रीज है डेट पाम जिनको कम वाटर की जरूरत होती है अगर एग्जाम में आए और इस ऐसे इस, इस क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं कोई भी आए कि ये कुछ ट्रीज हैं जो कि वहां पर मिलते हैं सिर्फ वी शुड नॉट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर जो कंटामिनेटेड मिक्सचर है, है जो गंदगी है वो आपको पानी क्यों नहीं पीना चाहिए तो यहीं से आंसर आप शुरू करेंगे वी शुड नॉट ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर बिकॉज क्योंकि जो दे बिकॉज दे कंटेन जर्म्स कंटेन्स कंटेन ही आएगा नॉट एस कंटेन जर्म्स उनके अंदर जर्म्स होते हैं कीटाणु जिसे आप कहते हैं वो होते हैं एंड इट कैन कॉज कैन कॉज दो तीन बीमारियां आप लिख सकते हैं जो कि पानी की वजह से होती है लाइक uh, कॉलेरा लिख दीजिए एंड डायरिया uh, लिख दीजिए ये आपने पढ़ा भी होगा अब जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं देखे आ ही जाता है काम आपके एंड वॉमिटिंग ये कुछ चीजें आपको हो सकती है क्योंकि पेट खराब हो जाता है अगर आप कंटेमिनेटेड uh, पानी पीते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द स्टेट एंड मार्केट ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ओके मैप मैंने कहा था आपको पहले भी कि फोर्थ क्लास में जरूर एक पूछा जाता है तो फर्स्ट इज वहीदा बिलोंग टू तो विट वहीदा किस स्टेट से बिलोंग करती थी वो बिलोंग करती थी कश्मीर से ऑल दो ये पहले का पेपर है और इस बार जो आपका पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा चेंजेस यहां पर होंगे जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गए हैं बट उस टाइम अभी भी अगर कश्मीर आपसे पूछा जाता है तो ये इधर है स्टेट ऑफ कश्मीर आपका कश्मीर यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये सेकेंड इज अनिता बिलोंग टू विच स्टेट अनिता एंड हनी बीज वाले चैप्टर से आई थिंक ये पी टी वन सॉरी फर्स्ट उसमें आया था आपका बट चलिए कोई नहीं पूछ लिया है तो आप जानते होंगे वो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से थी बिहार के और बिहार इंडिया के मैप में ये रहा उत्तर प्रदेश के जस्ट साइड में दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू ये है बिहार नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज द स्टेट वी लिव इन आपकी स्टेट में रहते हैं वो आप पहचानते होंगे वो आप खुद फिल करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इज नंदिता बिलोंग टू विच नंदिता बिलोंग टू दिस स्टेट नंदिता मुंबई गई थी जो कि उसका जो घर था वो भी महाराष्ट्र में था और ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर विच इज महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई नेक्स्ट इज वेयर पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट इज सो दिस इज इन तमिल सॉरी तमिलनाडु तमिलनाडु आप हमारा साउदर्न स्टेट है सबसे नीचे वाला दिस इज टी एन तमिलनाडु ओके तो यहाँ से बिलोंग करती थी वहीदा यहाँ से बिलोंग करती थी आपके इसमें अलग अलग स्टेट से आपको जो कहानियां बताई अलग अलग स्टेट के लोगों की है यहाँ से बिलोंग करती थी Although अनिता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो आप बताएंगे केवी में तो बच्चे आप किसी भी स्टेट से हो सकते हैं नेक्स्ट इज नंदिता किस नंदिता बिलोंग करती थी आपकी महाराष्ट्र से और तमिलनाडु से में होती है पोचमपल्ली जो साड़ी है वो तमिलनाडु में बनाई जाती है सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन पेपर होपफुल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स आपको आते हो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सुन जो बाकी आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोज भी अपलोड कर दी जाएगी सो वेट फॉर दो